Welcome. How are you, student? Are you fine? I'm fine too. Okay. I start the lecture. अच्छा, अब हमने ये करना है, ये हमारे आज ये एडिंग यानी प्लस के क्वेश्चंस हैं, इसको हमने करना है. आपने प्लस और माइनस के क्वेश्चन तो पहले किए हुए हैं, लेकिन बेटा ये जो है ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, तो इसलिए हम ज़रा इसे मैं आपको इसको समझाऊंगी कि आपने आपको इस तरह कैसे आपने करना है. तो हमने ये मैंने एरो के ये देखे, ये एरो है कि इसका मतलब ये है कि 9 और 37 को पहले आपने इनको प्लस करना है. आपने यहाँ पर कोई रफ कॉपी लेनी है, आपने उस पर ही अमल करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर इसको हल करना है. ठीक है, आपने पहले 37 ये देखें, ये 37 लिखा हुआ है, इसमें हमने 9 को प्लस करना है. 9, अब 9 और 7 को चाहे आप लाइंस लगा लें, चाहे आप अपने हाथों पे गिन लें, और इसको आप जैसे भी आप चाहें इसको काउंट कर सकते हैं. 7 और 9 16 में हमने 6 यहाँ पर लगाना है, 1 जो है वो कैरी ऊपर चला जाएगा. बाज़ बच्चे 16 पूरा का पूरा इधर लगा देते हैं, लेकिन बच्चों ये जब ऐसे आता है तो 2 डिजिट आते हैं तो 1 डिजिट जो है वो ऊपर चला जाता है, कैरी चला जाता है. 6 यहाँ पर लगेगा, 1 कैरी ऊपर चला गया, और 3 में 1 हमने ऐड किया तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, ये हमारे पास आ गया 46. अब हमें नेक्स्ट है, यहाँ से हमने इसको इसमें प्लस किया, 37 को 9 में 46 आ गया, एंड 20. अब हमने इसको यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, 221, 6 एंड 1 7, 4 5 6. चाहे आप लाइन लगा लें और चाहे आप अपने फिंगर्स पे इसको काउंट कर लें. ये हमारे पास आ गया 67. तो हमने इस 67 को 67 इसमें लगा दिया. ओके, समझ लग गया आपको कि 37 में हमने 9 को पहले प्लस करना है, फिर उसके बाद 27 को इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया 67. ओके, अब हमने ये हमने ए किया था, अब हमने सॉल्व करना है बी. तो इसे हमने 24 है, इसे भी आपने ऐसे ही कहीं पे आपने लिख लेना है 24. इसके बाद एरो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 16. इसमें हमने 24 में 16 को क्या करना है, प्लस करना है. 6 एंड 4, 6 में हमने 4, चाहे आप ऐसे लाइन लगा लें, 1 2 3 4 5 6, 6 4 5 6 7 8 9 10, या आया 10. 10 का हमने 0 यहाँ लगाना है और 1 जो है ऊपर कैरी चला गया. अब 2 और 1 3 एंड 1 3 एंड 1 4, हमारे पास ये आ गया 40. अब ये एरो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, 58. अब हमने इसमें 58 को प्लस करना है, 58 में हम 0 में कोई चीज़ भी जमा करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो वही आ जाती है, 8 का 8 आ गया. 5 एंड 4, इसी तरह आपने लाइन लगानी है, 4 और 5, और ये हो जाएंगे 9 98. यहाँ पर हमने क्या लगाया, 98. ए सॉल्व हो गया, बी सॉल्व हो गया, अब हमारे पास है सी, हमने इसको सॉल्व करना है. अब मुझे लगता है कि आप ये खुद सॉल्व कर लेंगे, ये कीजिएगा सॉल्व. 13 एंड 26, अब हमने 13 एंड 26 को हमने इसको रेज कर दिया, 13. हमारा एरो किधर जा रहा है, 26 पर, 26 प्लस 6 एंड 3, वैसे ही लाइनें लगाएं, लेकिन 6 एंड 3 9, 2 और 1 3, 39. हमारे पास क्या आ गया, 39, किसका, 13 एंड 26, ये हो गया 39. अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, 7. एरो हमारा किधर जा रहा है,
सेवन की तरफ, तो हमने इसको ऐड करना है प्लस सेवन में, हमने नाइन को सेवन में इसमें प्लस करें, नाइन लाइन लगाएं फिर सेवन लाइन लगाएं, तो ये बन जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन सिक्स आ गया और वन कैरी इस पे चला गया, थ्री एंड वन फोर, ये हमारा आ गया फोर्टी सिक्स, फोर्टी सिक्स। तो बच्चों ये था आज का हमारा सारा, ये मैंने आपको सॉल्व किए हैं थ्री, इसमें ए बी सी है और डी ई एफ भी है, नीचे थ्री ऊपर है थ्री नी लाइन नीचे है, उसको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि जैसे मैंने किया उससे आपने एरो के लाइन लगा लेनी है यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर, इसको इसमें ऐड करना है और उसको बाद में इसमें ऐड करने के बाद आपका जो इसका आंसर आएगा वो आपने इस पे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह सॉल्व करेंगी और अपने अच्छी तरीके से इसको याद भी करेंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।